हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं राशन कार्ड के बारे में कि राशन कार्ड में हम मेंबर कैसे ऐड कर सकते हैं, या राशन कार्ड में कोई भी अकाउंट संबंधी करेक्शन या मोबाइल नंबर से संबंधित करेक्शन भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, फुल प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और पास में बने घंटी का आइकन को भी दबा दो, जिससे आपको हमारी नई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन दबाना ना भूलें। इसके लिए आपको पता है कि आपके पास राशन कार्ड में करेक्शन करने के लिए EDST का यूज़र ID और पासवर्ड होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास है तो मैं इसे लॉगिन कर लेता हूँ जल्दी से। एकदम यूज़र टाइप यहाँ चूज़ करना है, यूज़र टाइप चूज़ कर लेते हैं और यहाँ हम यूज़र नेम डाल देते हैं या पासवर्ड डाल देते हैं, और यहाँ कैप्चा फिल करना है। यहाँ सबमिट पर क्लिक करना, तो कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ आपको क्लिक करना है अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस पर क्लिक करना है आपको, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस पर दोबारा क्लिक करना है, तो कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ थर्ड नंबर में दे रखा फूड एंड सिविल सप्लाई राशन कार्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको NFSA पर क्लिक करना है, या फिर दोबारा से NFSA पर क्लिक करना है। यह साइज में कुछ पॉपअप खुल कर आएगा, इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ आपको नया राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना है, तो यह नए राशन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जो ये फर्स्ट स्टेप्स है वो नए राशन कार्ड के लिए, और सेकंड स्टेप जो है उसमें राशन कार्ड में कोई भी करेक्शन भी कर सकते हैं आप। तो नए राशन कार्ड की वीडियो मैं बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ। इसमें हमें देखना है कि राशन कार्ड में संशोधन कैसे किया सकता है, तो हम संशोधन वाले पर क्लिक करेंगे। और यहाँ आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, तो मैं डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ राशन कार्ड नंबर डालना है, और यहाँ आपको सर्च पर क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह का इसकी फुल डिटेल की जो पॉपअप है वो खुल कर आ जाएगा। तो आपको यहाँ थर्ड नंबर पर, और किसी का कोई काम नहीं है आपको, थर्ड नंबर स्टेप थ्री पर क्लिक करना है, फैमिली डिटेल पर, और यहाँ से आपको नए सदस्य जोड़े पर क्लिक करना है। कुछ इस तरह का पॉपअप खुल कर आएगा, तो यहाँ आप सभी यहाँ अपनी डिटेल फिल कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखें, यहाँ कोई भी आप गलत डिटेल ना डालें। आधार कार्ड में सेम टू सेम स्पेलिंग होनी चाहिए, कोई भी गलत है तो आपका आधार शीट प्रॉब्लम बताएगा, तो उसके लिए आपको दोबारा से यहाँ डालना है। और यहाँ सदस्य जोड़े पर क्लिक करना है। फिर आपको जब मेंबर जुड़ जाएँ, कितने भी मेंबर ऐड कर सकते हैं आप यहाँ से, और यहाँ फिर आपको यहाँ सुरक्षित करें एवं आगे बढ़े पर क्लिक करना है। जब यहाँ आप क्लिक कर देंगे, तो इसके बाद यहाँ फिर साइड में जाना है आपको, और यहाँ आपको संशोधन का संबंधित अधिकारी को अग्रेषण, यहाँ पर क्लिक करना है आपको। इसके बाद यहाँ आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना है और राशन कार्ड नंबर डालना है। और राशन कार्ड नंबर डालकर आपको यहाँ सर्च पर क्लिक कर देना है, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अगर इसमें कोई गलती है तो आप दोबारा भी चेक कर सकते हैं, तो उसे दोबारा करेक्शन कर सकते हैं। और आपको फाइनली लॉक कर देना है, फाइनल लॉक कर देना है, जब तक आपका जो संबंधित अधिकारी को है उसके चेकिंग के लिए नहीं जाएगा। तो आप इसका बहुत ध्यान रखें फाइनल लॉक करने का। इसे मैं फ़िलहाल फाइनल लॉक नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने ये वीडियो बनाने के लिए ही बनाया था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, घंटी भी दबा दो। कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा, एक लाइक तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।